Hello students, now we have to start a new chapter that is from economics. Okay, economics का first chapter है development, वो आज शुरू करेंगे. ठीक है, तो development, what do you mean by development? Development मतलब हम अपनी growth चाहते हैं. Everyone wants its growth, हर किसी को development चाहिए. ठीक है, लेकिन development के यहाँ पे perspectives अलग अलग हैं. डिफरेंट लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग डिफरेंट होता है. जैसे कि आपके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? टू स्कोर गुड मार्क्स इन द 10th क्लास. फिलहाल तो यही रीसेंट आपका वो है ना कि भाई यही मेरा गोल है कि अभी मुझे क्या करना है, 10th क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं. उसके बाद नेक्स्ट गोल आप सेट करोगे, फिर नेक्स्ट गोल है ना कि भी मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस आरएएस क्या बनना है आगे जाके. 10th की मार्कशीट के बेसिस पर आप फिर डिसाइड करोगे किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है. ओके, तो आपका यह डेवलपमेंट गोल है. क्या सेम डेवलपमेंट गोल आपकी छोटे भाई बहनों का भी है? नहीं, उनका डेवलपमेंट कुछ और है. गेम में दोस्तों से जीतना है, ये उनका फिलहाल गोल है. या और क्या, कैसे नहीं मस्ती करनी है. ठीक है, वो उनका डेवलपमेंट गोल है, छोटे हैं ना, छोटों के हिसाब से उनका डेवलपमेंट गोल अलग है. वही डेवलपमेंट गोल क्या आपके पेरेंट्स का भी है? पेरेंट्स का डेवलपमेंट गोल कुछ अलग है. ठीक है, अगर ऑफिस में काम करते हैं मम्मी पापा तो प्रोग्रेस करना, ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा अर्निंग करना, दैट इज देयर डेवलपमेंट गोल. तो डेवलपमेंट गोल यहाँ पे हर एक व्यक्ति का एक दूसरे से अलग है. एवरीवन वांट्स डेवलपमेंट. ठीक है, हर एक को डेवलपमेंट चाहिए. मुझे भी डेवलपमेंट करना है अपना, आपको भी अपना डेवलपमेंट करना है. लेकिन क्या मेरा और आपका दोनों का डेवलपमेंट गोल सेम होगा? नहीं होगा, है ना, अलग अलग होगा. हमारे हिसाब से हमारे डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग है. मेरा कुछ और है और आपका कुछ और है. ओके, कई बार क्या होता है कि एक का डेवलपमेंट दूसरे व्यक्ति के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि एक का डेवलपमेंट गोल जो है वो उसके लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए भी अच्छा ही हो. भाई मान लीजिए मेरा डेवलपमेंट गोल आपका डेवलपमेंट गोल नहीं है, आप वो नहीं करना चाहते जो मैं करना चाहती हूँ. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो चाहता है कि भाई मेरा इस तरीके से डेवलपमेंट हो, वही दूसरे व्यक्ति के लिए वो डिस्ट्रक्शन भी बन जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि नर्मदा वैली पर जो ब्रिज बना, बहुत सारे लोगों को वहाँ से हटा दिया गया. ठीक है, उनका प्लेस, रेजिडेंस, वो सब चीज़ें वहाँ से हटा दी गई. क्यों? क्योंकि ब्रिज बनाने के लिए वो ज़मीन जहाँ पर वो पीपल रह रहे थे, वो ब्रिज बनाने के लिए उन्हें यूज़ करनी थी. ओके, तो जो नर्मदा के ऊपर ब्रिज बना वो डेवलपमेंट था, कंट्री का डेवलपमेंट था. लेकिन उन लोगों का जो उस एरिया में रह रहे थे, उस लैंड के आसपास रह रहे थे, क्या उन लोगों के लिए डेवलपमेंट था? नहीं, उन लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन था. उन्हें वहां से डिस्प्लेस करना पड़ा, कहीं और जाना पड़ा. जो लाइवलीहुड उनकी वहां पर सेट थी, फिक्स थी, ठीक है, इजी वे में उनकी लाइफ चल रही थी, वो सारी लाइफ क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई, चेंज हो गई. तो डेवलपमेंट गोल जहां पूरी कंट्री के लिए वो डेवलपमेंट था, नर्मदा वैली पर ब्रिज बनाना, वहीं जो लोग वहां से मूव हुए, डिस्प्लेस हुए, उन लोगों के लिए तो वो डिस्ट्रक्शन हो गया भाई, कि हमारा तो क्या हो गया, लाइवलीहुड पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया, चेंज हो गया. किसी को सेटलमेंट के लिए पैसे मिले, किसी को नहीं मिले. ठीक है, किसी को कहीं और दूसरी जगह पर सेटल होने पर कोई अच्छा मूव कर गया, किसी को कोई काम ही नहीं मिल रहा, उसकी लाइवलीहुड तो और ज़्यादा परेशानी में आ गई. ठीक है, जहाँ पहले वो सेट थे, अब उन्हें वापस से अपनी लाइफ को शुरू से शुरू करना पड़ रहा है. तो वहाँ पर एक का डेवलपमेंट क्या हुआ? दूसरे का डिस्ट्रक्शन हो गया. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस कि डेवलपमेंट क्या होगा. जैसे मैंने बताया ना, मेरा डेवलपमेंट और आपका डेवलपमेंट क्या सेम होगा? नहीं होगा.
ठीक है। अगर हम बात करें रूरल एरिया की, तो कंपैरेटिवली अर्बन एरिया तो उससे डेवलप ही है। तो रूरल एरिया के लोगों का डेवलपमेंट गोल और अर्बन एरिया के लोगों का डेवलपमेंट गोल भी क्या होगा, दोनों एक दूसरे से अलग होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, अपनी बुक में पेज नंबर 4 पे एक चार्ट दे रखा है डेवलपमेंट गोल का, डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। ठीक है, एक बार उसको ओपन करो, ये हम देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। अगर आपने बुक ओपन नहीं की है तो वीडियो को एक बार पॉज करो और पहले अपनी इकोनॉमिक्स की बुक निकालो, पेज नंबर 4। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट लिखा है कैटेगरी ऑफ पर्सन, लैंडलेस रूरल लेबरर्स। ठीक है, कौन से लोग, जो लैंडलेस हैं, जिनके पास अपनी खुद की लैंड नहीं है रूरल एरिया में, दे आर लेबर। उनका डेवलपमेंट गोल क्या है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। जैसा आपको पता ही है रूरल एरिया में क्या होता है, लैंडलेस लेबर को कब काम मिलता है, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग और एट द टाइम ऑफ सोइंग द सीड्स। पूरे साल काम नहीं मिलता, दे आर सीजनली अनएम्प्लॉयड पर्सन, सीजन टू सीजन वर्क मिलता है, सीजन खत्म काम खत्म, फिर वेट करेंगे नेक्स्ट सीजन का। तो उनका डेवलपमेंट गोल क्या है कि उन्हें ज्यादा दिन काम का मिले और ज्यादा वेजेस मिले। वेजेस भी उनके क्या कर दिए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स नहीं दिए जाते, कम करके दिए जाते हैं। और क्या है, लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। उन्हें स्कूल भी चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ा सकें वो इस स्कूल के अंदर, अच्छी एजुकेशन हो। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, विलेज में होता है ना सोशल डिस्क्रिमिनेशन कास्ट वाइज, जो रिच हैं, हायर कास्ट के लोग हैं, दे डोमिनेट द पीपल दोज हु आर पुअर एंड बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। साथ में दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। ये तो सोचना बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए कि वो विलेज के लीडर बन जाएं। जब उन्हें विलेज में इक्वल राइट्स ही नहीं हैं, तो कि विलेज का लीडर बना, इट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। तो ये इनका डेवलपमेंट गोल है, क्या है, वेजेस ज़्यादा मिले, ज़्यादा काम का टाइम मिले, बच्चों के लिए एजुकेशन मिले, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो और लास्ट में दे बिकम द लीडर्स। फिर देखिए सेकेंड नंबर पे, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। पंजाब में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है, यू नो ना, ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा जो स्टेट एग्रीकल्चर के लिए निकल कर आए थे, दैट वॉज पंजाब एंड हरियाणा। उत्तर प्रदेश था बट फ्यू पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न पार्ट ओनली। ठीक है, तो पंजाब के प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध, ठीक है, अच्छे खासे खाते कमाते फार्मर्स। उनका डेवलपमेंट गोल क्या है, अश्योरिंग अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हाई सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप। सपोर्ट प्राइस पड़ी थी ना लास्ट ईयर, गवर्नमेंट अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, ठीक है, गवर्नमेंट अनाउंस करती है MSP। क्या होती है MSP, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि फार्मर्स जो भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो मिनिमम इस प्राइस में तो उनकी बिकनी ही है, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेंट उसको परचेज कर लेगी। तो वो चाहते हैं कि अच्छी हाई MSP अनाउंस की जाए, एंड थ्रू हार्ड वर्क एंड चीप लेबर। हार्ड वर्क, चीप लेबर, लेबर कैसा मिले उन्हें, सस्ता। वहीं लैंडलेस लेबरर्स क्या सोच रहे हैं, वेजेस हाई मिले, और फार्मर्स क्या सोच रहे हैं, कम वेजेस में लेबर मिल जाए। दोनों का डेवलपमेंट गोल क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, सेम नहीं है। एक का डेवलपमेंट गोल, यानी अगर फार्मर का डेवलपमेंट गोल चीप लेबर है, तो लेबर का क्या हो गया, ये तो डिस्ट्रक्शन हो गया ना, उनका तो नुकसान हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो वो चाहते हैं चीप लेबर मिले, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रॉड। पंजाब में हर एक का सपना यही है कि उनका बच्चा जाके एब्रॉड में सेटल हो जाए, आउट ऑफ इंडिया सेटल हो जाए। फिर देखो इसमें और दे रखा है, नेक्स्ट हमें फिल करना है, मेरे साथ साथ आप भी फिल करते जाना।
ठीक है। ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंट सॉरी डेवलपमेंट गोल्स। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, ठीक है, जिसमें हमने दो देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, ठीक है। तो यहां पर फार्मर्स हैं, ठीक है, जो किस पर डिपेंडेंट हैं, रेनफॉल पर डिपेंडेंट है फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप, यानी इनके पास क्या है, अपना खुद का इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, हैंडपंप्स ट्यूबवेल्स ये इनके पास नहीं है। तो यहां पर इन फार्मर का डेवलपमेंट गोल क्या होगा, सोचिए, क्योंकि ये रेन पे डिपेंडेंट है ना, तो इनका पहला डेवलपमेंट तो गोल क्या हो गया कि दे हैव टू सेट अप देयर ओन ट्यूबवेल्स, ठीक है, अपने खुद के ट्यूबवेल्स लगा सकें। इसके अलावा ठीक है वॉन्ट टू सेट अप देयर ओन ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, ठीक है, ये तो मेन हो गया इनका डेवलपमेंट गोल। इसके अलावा क्या हो गया, अगर नहीं कर पाते तो क्या हो, गुड रेनफॉल हो, अच्छी रेनफॉल हो उनको, ठीक है, साथ में हाई इनकम एंड सुटेबल क्लाइमेट फॉर देयर क्रॉप, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि कुछ ऐसी क्रॉप्स ग्रो कर सकें जो कि जिसको रेनफॉल की ज्यादा जरूरत ही ना हो रेनी सीजन के अलावा, क्योंकि क्या है, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन द रेन फॉर देयर ग्रोइंग क्रॉप्स, कि अपनी क्रॉप को ग्रो करने पहले रेन पर है, तो सबसे पहला तो उनका हो गया वॉन्ट टू सेटअप देयर ओन ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन, अपना खुद का ट्यूबवेल लगा लें इरीगेशन के लिए, जिससे उनकी डिपेंडेंसी रेन के ऊपर से हट जाए कि भाई बारिश पर ही डिपेंडेंट हो। साथ में अगर गुड रेनफॉल होती है उनके लिए तो अच्छा है, हायर इनकम हो उनकी, अच्छी क्रॉप हो, कैसे होगी हायर इनकम, इफ दे हैव द सुटेबल क्लाइमेट फॉर देयर क्रॉप्स, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, अ रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, ठीक है, रूरल वुमेन है, ठीक है, कीप इट इन माइंड, गांव की औरतें हैं, तो विलेज के अंदर क्या होता है, वुमेन के पास कोई राइट्स नहीं होते, दे बेसिकली आइदर कन्फाइंड एट देयर होम या फिर उन्हें अपने खुद के खेत में काम करना पड़ता है अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, दे ओन देयर ओन लैंड ओनिंग फैमिली, ठीक है, उनके पास अपनी खुद की लैंड है, तो लैंड ओनिंग फैमिली होने की वजह से क्या है, मे बी दे आर प्रॉस्पेरस,
लेकिन क्योंकि किसके लिए पूछा है यहाँ पर, स्पेशली फॉर द वुमेन, वुमेन का डेवलपमेंट गोल क्या है, क्या होगा वुमेन का डेवलपमेंट गोल, कि उसके अकॉर्डिंग भी घर में डिसीजन लिए जाएं, ठीक है, जो लैंड है उस पर अच्छी इनकम हो, अच्छी क्रॉपिंग हो, ठीक है, लिख लेते हैं इसको, वांट हायर फैमिली इनकम, ठीक है, अच्छी फैमिली इनकम हो, वॉन्ट टू नीड मोर फ्रीडम टू टेक डिसीजन इन फैमिली, ठीक है, उसको ज्यादा फ्रीडम मिले जिससे कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी डिसीजंस ले सके, ठीक है, हायर इनकम तो है ही, अच्छी इनकम होगी तो क्या होगा, फैमिली अच्छे से सरवाइव कर पाएगी, ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, ठीक है, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, ये मैंने लाइन खींच दी है सेपरेट करने के लिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा बेटा, है ना, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अब जो यूथ है इसको क्या चाहिए, अनएम्प्लॉयड है तो सिंपल सी बात है, यहां पर इसको क्या चाहिए, मेनली नीड अ जॉब, सबसे पहले तो इसको जॉब चाहिए, क्या चाहिए इसको, गुड इनकम, गुड इनकम चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जॉब तो मिल जाए पर जॉब बनी भी तो रहे, जॉब सिक्योरिटी चाहिए इसको, ठीक है, ये किसका है, अनएम्प्लॉयड यूथ का डेवलपमेंट गोल है, सबके डेवलपमेंट गोल अलग अलग चल रहे हैं, किसी का किसी से भी मिक्स नहीं हो रहा है ना। फिर देखिए नेक्स्ट, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, ठीक है, एक रिच अर्बन फैमिली के बॉय का क्या होगा डेवलपमेंट गोल, भाई नौकरी की तो जरूरत नहीं है, अच्छी पर अच्छे रिच फैमिली से है तो जॉब की तो जरूरत है नहीं, ठीक है, किसकी जरूरत है, मोर फ्रीडम, मोर रिलैक्स, नीड मोर मनी टू स्पेंड, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले खर्च करने के लिए, ठीक है, एजुकेशन इन अब्रॉड, ठीक है, इसको क्या चाहिए, मोर फ्रीडम एंड मोर मनी टू स्पेंड एजुकेशन इन एब्रॉड, ठीक है, रिच फैमिली का बच्चा है तो इसकी ख्वाहिशें भी अलग हैं, इसको चाहिए ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा फ्रीडम मिले, ज्यादा पैसा खर्च कर सके, हायर एजुकेशन मिले, इंडिया में नहीं एब्रॉड में मिले, क्योंकि फैमिली के पास पैसा है तो पैसा उसके ऊपर खर्च किया जा सके, ठीक है, ये कुछ लिख दीजिए, फिर एक दो और बचे हैं वो फिर अभी हम इसके बाद लिखते हैं, राइट डाउन इट, ठीक है, इसको रब कर दूं, आप वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में ही बेशक आप नोट कर लीजिए, ठीक है, बुक में पेज नंबर 4 पर ये टेबल दे रखी है बेटा,
तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि डिफरेंट पर्सन हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल. ठीक है, डेवलपमेंट सबको करना है, लेकिन सबका डेवलपमेंट गोल क्या है एक दूसरे से? इट्स डिफरेंट, अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि पर्सन भी तो एक दूसरे से डिफरेंट है, सब एक जैसे थोड़ी है. कि भी मैं टीचर हूं तो सभी टीचर हैं. दूसरा डॉक्टर है तो उसका डेवलपमेंट गोल अलग है, इंजीनियर है तो उसका डेवलपमेंट गोल अलग है, आप स्टूडेंट हो आपका डेवलपमेंट गोल अलग है. ठीक है, फिर इसमें एक और है अपना, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली. एक रिच अर्बन फैमिली की गर्ल है, क्या होगा उसका डेवलपमेंट गोल? मोर फ्रीडम. भाई को जितनी फ्रीडम मिलती है उतनी ही मुझे भी मिले. ठीक है, शी गेट्स अ मच फ्रीडम एज अ ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड वॉट शी वॉन्ट टू डू इन लाइफ. उसको डिसाइड करनी है, दिया जाए लाइफ में क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती. फैमिलीज में क्या होता है, बेटे को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है कंपैरेटिव टू द गर्ल, चाहे अर्बन फैमिली ही हो. शहरों में भी बेटा अगर देर रात तक घूम रहा है कोई रोक टोक नहीं होती, कोई बात नहीं आ जाएगा. लेकिन बेटी के लिए टाइम फिक्स होता है कि भाई शाम को 6 बजे 7 बजे तक आपको घर के अंदर आ ही जाना है, एनी हाउ उसके बाद बाहर नहीं जाना, और जाना है तो विद द फैमिली मेंबर ओनली. ठीक है, तो यहाँ इस रिच अर्बन फैमिली की डॉटर का क्या है डेवलपमेंट गोल? कि उसके भाई की तरह उसे भी फुल फ्रीडम दी जाए, वो जब चाहे तब जाए, जब चाहे तब घर वापस आए, अपने सारे डिसीजन खुद ले सके. शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज एब्रॉड, और अपनी स्टडीज को एब्रॉड में कंप्लीट कर सके, बिकॉज शी इज अ डॉटर ऑफ अ रिच फैमिली. ठीक है, तो उस हिसाब से इसके एस्पिरेशंस हैं, इसके डेवलपमेंट गोल हैं. फिर क्या है नेक्स्ट है, एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली. ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया ना, नर्मदा वैली का एग्जाम्पल दिया. क्या हुआ वहां पे कि ब्रिज बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए वहां पर जो आदिवासी फैमिली थे, ट्राइबल पीपल थे, उन लोगों को वहां से डिस्प्लेस कर दिया गया. हजारों लोग वहां रह रहे थे, उस पूरा फॉरेस्ट एरिया भी था आसपास, उस पूरे एरिया को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया, और जो भी लोग वहां पे आए थे, दे आर द विलेजर्स और दे आर द ट्राइबल पीपल आदिवासी, उन सबको वहां से डिस्प्लेस कर दिया. उन्हें प्लेस प्रोवाइड की, कहीं और प्लेस प्रोवाइड की गई थी, बट एज सच उनकी लाइवलीहुड जो सेट थी, ठीक है, उनकी इनकम सेट थी, उनकी लाइवलीहुड सेट थी, वो तो डिस्टर्ब हो गई ना. फिक्स था उनको कि भाई ये काम करना है, इतना अर्निंग हो जाएगी और ऐसे ऐसे एक्सपेंडिचर हो जाएगा, सब स्मूथली चल रहा था. वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई. तो अब ऐसी एक आदिवासी फैमिली का क्या होगा डेवलपमेंट गोल? क्या होगा? दे नीड सबसे पहले तो अ गुड प्लेस फॉर सेटलमेंट. एक तो अच्छी जगह उन्हें मिल जाए सेटलमेंट के लिए. फिर दे नीड मोर डेज ऑफ वर्क. ठीक है, काम करने के लिए ज्यादा मिले, मोर डेज ऑफ वर्क, और साथ में उस वर्क के क्या मिले उन्हें? बेटर वेजेस. ठीक है, ये किसका डेवलपमेंट गोल हो गया? एक आदिवासी फैमिली का डेवलपमेंट गोल हो गया कि उन्हें सेटलमेंट के लिए अच्छी प्लेस मिल जाए, गवर्नमेंट उन्हें कुछ ऐसा अच्छा एरिया प्रोवाइड करे जहां उन्हें मोर डेज मिले वर्क करने के लिए और अच्छे वेजेस मिल जाए. इसके अलावा और क्या हो सकता है इनका डेवलपमेंट गोल? नीड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स
फॉर देयर चिल्ड्रन एंड फैमिली. ठीक है, इसके अलावा उन्हें स्कूल और हॉस्पिटल, जिससे उन्हें बच्चे को पढ़ाना इजी हो जाए और फैमिली के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए. तो दिस इज द डेवलपमेंट गोल. इनका डेवलपमेंट गोल ये नहीं है कि मुझे ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए मिले या मुझे अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए मिले, मैं विदेश में सेटल हो जाऊं. नो, इन्हें तो कोई भी एक अच्छी जगह जहां पर काम अवेलेबल हो, उन्हें काम करने के लिए मिल जाए जिससे वो पैसे कमा सकें अपनी फैमिली के लिए. और बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट है केवल, बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर सबकी रिक्वायरमेंट या सबका डेवलपमेंट गोल क्या है एक दूसरे से, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो और पैसा कमाना चाह रहा है और उसको खर्च करने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है. जिसको फ्रीडम है वो और नई फ्रीडम चाह रहा है. जिसको नहीं है वो थोड़ी बहुत ही मिल जाए, उतनी ही उसको रिक्वायरमेंट हो रही है. ठीक है, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो वो चाह रहे हैं कि थोड़े बहुत वेजेस ऐसे मिल जाएं कि लाइवलीहुड इजीली चल पाए. तो यहाँ पर एवरीवन हैज द डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, इसको भी लिख लो. इसके बाद फिर हम कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं. ठीक है, तो ये टेबल आप फुलफिल कर लो. ये टेबल फुलफिल करने के बाद फिर अब हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से डिफरेंट लोग जो हैं, डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल हैं. इस डेवलपमेंट गोल में भी उनकी प्रायोरिटी क्या है. हर एक की प्रायोरिटी केवल अर्निंग मनी ही नहीं होती है कि खाली पैसा कमाना ही डेवलपमेंट है. नो, कुछ और प्रायोरिटीज भी होती हैं. तो वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर. इस टेबल को अच्छे से स्टडी कर लेना, रीड कर लेना और इसको फिल कर लेना. ठीक है, तो हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल नाउ टेक केयर, बाय.